मोदी रोजगार दो ट्विटर पर फिर ट्रेंड हो रहा है। लोग कह रहे हैं न चोर न चौकीदार साहब मैं तो बेरोजगार। ट्विटर पर पोस्ट करके रोजगार तलाश रहे लोगों का कहना है कि स्टूडेंट्स सरकार से केवल इतना ही चाहते हैं कि सही समय पर परीक्षा आयोजित करके उसका रिजल्ट तय समय पर घोषित हो जाए। वहीं कुछ लोगों ने इस हैशटैग पर ट्वीट किया है कि झूठ बोलकर मोदी ने वोट हासिल किया था। इस हैशटैग से कुणाल कुशवाहा नाम के एक यूजर ने अपनी पोस्ट ट्वीट करते हुए लिखा है, हमारे पीएम डिजिटल इंडिया और दूसरे कामों में व्यस्त हैं। मोदी चाहते हैं कि भारत के लोग अपने जीवन यापन के लिए मजदूरी करें। उन्होंने आगे लिखा कि मोदी जी ऐसा कैसे चलेगा, जॉब तो चाहिए ना, कब तक आप इसे नजरअंदाज करते रहेंगे। एक यूजर ने लिखा है कि बेरोजगारों का कोई धर्म नहीं होता, एक पेट होता है और एक खाली जेब होती है। मोदी रोजगार दो हैशटैग से देश के बेरोजगार लगातार सरकार से रोजगार मांग रहे हैं। जिस दिन पहली बार ट्विटर पर यह हैशटैग आया, कुछ घंटों के भीतर ही 20 लाख से ज्यादा लोगों ने ट्वीट किया। लोगों ने सरकार से सवाल किया कि 2 करोड़ रोजगार का वादा कहाँ है। उनका सवाल था कि चुनाव में बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार अब चुप क्यों बैठी है। हालांकि सरकार ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि राजनीतिक गलियारों में इस हैशटैग को लेकर काफी बेचैनी है। विपक्ष के नेता सरकार पर इसके जरिए जमकर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने लाइव डिबेट में ही इसका जिक्र किया तो बीजेपी के नेता बगले झांकने लगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें समाचार नगरी।